सड़क महकमा मुर्दाबाद, इतों का घटिया सड़क महकमा मुर्दाबाद। अज सानू वो तस्वीर दिखा रहे हैं लहरा गागा तो जाखल रोड, जिहड़ा जाखल तो सुनाम रोड जाता है, उस रोड के उत्ते कई साल पहला सड़क बनाई गई सी जिदे ते चार पंज दे करीब पुल आउंदे आ, जिदे विचों कई पुल बना दिते गए आ ठेकेदार वल्लों, पुल बना दिते गए ने पर दो तीन पुल ऐसे ने भी जिहड़े नहीं बनाए गए, उत्थे वड्डे हादसे वापरदे ने, वड्डा नुकसान हुंदा। तुहानू तस्वीरां च दिखाउंदा जदों कोई भी इत्थों मोटरसाइकिल जां गड्डी वाला आउंदा तेजी तेज रफ्तार नाल आउंदा तां उह बुड़क के काफ़ी दूर चला जाता है, बड़ा नुकसान होंगे। असी उन्होंने भी गल करा मोटरसाइकिल वाले जोड़े लोग ने किन्ने डेढ़ डेढ़ फुट के जोड़े खड्डे पे हुए ने, असी उन्होंने भी गल करें। भाई की नाम है तेरा? चमकौर भाई। चमकौर कितों आए हो? आलमपुर को। की कहना चाहना, पुल बनया हो इतने भी एक तो संगत आँदी हैगी आए एतवार, उन्होंने बहुत परेशानी आ, कई बार इत गड्डिया डिग गई सीधा जाके, बहुत बार गड्डिया डिगिया ने गिया, तो करके सानू पुल माड़ा चौड़ा चाहिए, अपील आ हथ बन के बेनती आ, तो परेशानी आ बार बार, ये परेशानी का सानू सामना ना करना पवे, नहीं फिर असी धरना लावे, यूनियन साढ़े नाल आ, सानू भी औखा गा, साडा लोग यही लहरा पैंदा गा, रोज़ समान लैन जाना, कुछ भी लैन जाना, कोई भी चीज़ लैन जाना, तो बस परेशानी आँदी है। जाने के तस्वीर देखो तुम, ट्रक है जोड़े खड्डे तो बचा के लंघते हैं क्योंकि उन्होंने डर रहा भी कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि जो मोटरसाइकिल लंघते हैं तो उदों जोड़े दो मैंबर होंगे तो वह बुड़क के इन्नी उची चले जाते, उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे, क्योंकि हूँ आने वाला सीजन है जोड़ा कणक का सीजन भी आने वाला है, जो किसान इतों ट्रालिया लैके जाएंगे उदों भी उन्होंने ज़्यादा नुकसान, किसान यूनियन के लोग भी साढ़े नाल उन्होंने गलबात करते हैं। की नाम है जी थोड़ा? मेरा नाम दर्शन सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राह ब्लाक आगू लेरा जी। की कहना चाहते आप पुल बारे, क्योंकि पुल काफ़ी समय तो नहीं बनया, सड़क सारी बन गई जिदे के कई पुल बना दिए गए ने, दो पुल ऐसे ने चाहे तो सनाम वाला पुल ले लीए तो एक कोटड़े वाला पुल, ये पेंडिंग है, की कहना चाहते हो सरकार इन वाल क्यों नहीं ध्यान दे? मैं तो यह कहना चाहना जी, ये काफ़ी चिर पहला सड़क बनी है, सड़क का ठेका होया ठेकेदार नाल जो होया सरकार नाल कंट्रैक्ट, तो जिहड़ा कि यह पुल हैगा ये पुल पहला बनना चाहिए थी, क्योंकि जिहड़ी ड्रेन चोटियां वाली है वह भी पुल बन चुके है, तो पिछे लहरा जिहड़ा अपनी घग्गर ब्रांच नहर है उसका पुल भी बन चुका है, भी ये पुल क्यों नहीं बना रहे? कलीनोवाल वाला पुल है, पुल हैगा नहर का, वह अधूरा पै, उत्थे भी इस तरह ही खड्डे ने, इत्थे भी इस तरह ही खड्डे ने, तो नाल ही जिहड़ी सीवरेज पई है लहरे गागे नू शहर दी, वह भी इस रोड दे विच दी आई है, उत्थे भी बहुत खड्डे पै रहे ने, उत्थे भी नित हादसे वापरदे ने। मैं तो प्रशासन नूं यह बेनती करदा कि जे ये आने वाले टाइम जल्दी जल्दी ना बनाया तो असी संघर्ष होर तेज़ करांगे, भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां वालों असी रोड भी जाम करांगे। दर्शन ये जिहड़ा पुल है काफ़ी समय तो अज भी असी एस डी ओ नाल गल करनी चाहिए तो उन्होंने फोन नहीं चुकया, की कहना चाहते हो? क्योंकि ये पुल नाल हुण अगे सीजन भी तुहाडा आंदा है, क्योंकि किसानां दीआं जिहड़ियां ट्रालियां इत्थों दी लंघणियां ने उहदे नाल भी वड्डा नुकसान होण दा खतरा हैगा। हाँ जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हुण सीजन है जिहड़ा कणक दा, इह दिन रात दा सीजन होऊगा, मशीनां वाले भी लंघाए होणगे, ट्रैक्टर मशीनरी वाले भी लंघाए होणगे, कोई भी हादसा वापर सकदा उरे, क्योंकि पहला भी बहुत बार नुकसान हो चुके है, सीजन ते इहदा पूरा प्रभाव पऊगा, पूरा असर पऊगा, इत्थे बहुत नुकसान होने दे खतरा है। तुहानूं होर भी अज दिखाने तस्वीरां जिस तरह ये जिहड़ा पुल है इत्थे जिहड़ियां बसां मोटरसाइकिल जां जांदे आ, असीं होर भी बंदे ने इत्थे गल करदे आ। की नाम है जी तुहाडा? मेरा नाम रजिंदर सिंह जी, रामपुरा जवार वाला सबका सरपंच। असीं इत्थे देखदे हां कई सालां तों इह सड़कां तीन दो तीन गिल बन गई जी, पर पुल दी हालत जिहड़ी बहुत नाजुक है जी, इत्थे एडे ਭੜੇ ਖੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੇਲ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੇਘਰਾਜ ਜੇਈ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ, ਮੇਘਰਾਜ ਭਾਈ ਇਹ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਰੇ, ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਘਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਬਰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਲਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲਹਿਰੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸੰਗਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰੋ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਜੈਨ, ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ।